आज तक तो हम बहुत सारे गेम्स को अपने मोबाइल डिवाइस में खेल चुके हैं, बट उसमें से किसी किसी गेम को हम याद रखते हैं और कंटिन्यू खेलना पसंद करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपको ऐसे गेम के बारे में बताने वाले हैं या फिर याद दिलाने वाले हैं जिससे आप खेल के एंजॉय भी किए थे लेकिन अभी फिलहाल खेल नहीं पाओगे क्योंकि कुछ रीजनों के चलते उन सब गेम को शट डाउन कर दिया गया था। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हटके होने वाला है, पूरा जरूर देखना सभी गेम के बारे में जानने के लिए, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी तो याद आए कि कौन कौन से गेम ऑलरेडी वो खेल चुके हैं। तो करना, अगर वो गेम अभी तक रहता तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता और अच्छा सपोर्ट भी मिलता। तो पुराने गेम्स के लिए एक लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस हर रोज देखने के लिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला गेम है टेकन मोबाइल। टेकन फ्रेंचाइज का ये पहला ऑफिशियल मोबाइल गेम था जिसे डेवलप और पब्लिश भी किए थे बंडाई नामको, और गेम को डिसकंटिन्यू करने का रीजन बताया जाता है माइक्रो ट्रांजैक्शन, यानी इस गेम से ज्यादा प्रॉफिट वो नहीं कमा पा रहे थे जिसकी वजह से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि गेम अच्छा नहीं था, गेम के ग्राफिक्स से लेके कॉम्बैट स्टाइल तक सब कुछ सही था, हम बहुत ज्यादा इस गेम को खेले थे, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है इस गेम को शायद इंडिया में रिलीज नहीं किया गया था। लेकिन मुझे लगता है अगर ये गेम अभी तक रहता तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता और हम सब जरूर इस गेम को खेलते हुए एंजॉय करते हैं। तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने टेकन मोबाइल को एक बार खेला है अपने मोबाइल डिवाइस में या फिर नहीं। और हमारे दोस्त ने कमेंट करके भी पूछा था कि टेकन मोबाइल क्या फिर से वापस आएगा, तो इसका चांसेस अभी बहुत ही कम है, अगर आता है तो एक न्यू गेम लॉन्च होगा, ना ही ये टेकन गेम। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। दूसरा गेम है WWE फ्रेंचाइज का WWE इमोर्टल, और बहुत सारे दोस्तों का मुझे लगता है ये फेवरेट WWE मोबाइल गेम होगा। इस गेम को बंद करने का रीजन था WWE के राइट्स, क्योंकि वार्नर ब्रोस ने इस गेम को पब्लिश किए थे। गेम नॉर्मल WWE गेम से बहुत ही ज्यादा अलग था, प्लेयर इस पे WWE सुपरस्टार को सुपर हीरो जैसे ट्रीट कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि गेम लॉन्च होने के बाद ही डिसकंटिन्यू किया गया था, बहुत दिनों तक चला था और काफी सारे प्लेयर इस गेम को ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर चुके थे खेलते हुए, लेकिन बाद में कुछ पंगा हुआ राइट्स का और इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और बीच में न्यूज भी आ रहा था कि इसका सीक्वल भी आने वाला है, लेकिन अब तक तो मुझे नहीं लगता इसका सीक्वल आएगा। आएगा भी तो एक नया WWE हम गेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस गेम पे हमने ऑलरेडी फुल डिटेल वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पे और आप सभी की तरफ से अच्छा सपोर्ट भी मिला था। अगर अभी तक भी उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो आई बटन में देख लो जाके, और भी ज्यादा डिटेल इस गेम के बारे में आप जान पाओगे, और उसमें हमने बताया कि इसका सीक्वल आएगा, उस पॉइंट को सिर्फ ध्यान मत देना और बाकी सारे डिटेल आप वहाँ से जान सकते हो, समझ रहे हो। तीसरा गेम मार्वल की तरफ से है मार्वल रियल एम ऑफ चैंपियन। एक साल तक चलने के बाद कब हम फाइनली इस गेम को इसी साल 31 मार्च को शट डाउन कर दिए थे। उसका बहुत ही ज्यादा सिंपल सा रीजन था गेम के ग्राफिक्स और कॉन्सेप्ट। जब इसका ट्रेलर का अनाउंसमेंट हुआ था उसे देखने के बाद हम बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप हो चुके थे और हमने इस गेम के ऊपर काफी सारे वीडियोस भी पब्लिश किए थे। प्लेयर इसमें मार्वल कैरेक्टर को यूज करते हुए रियल टाइम पीवीपी फाइट कर पाते थे, कैरेक्टर को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन था। और जब ये गेम लॉन्च हुआ ऑफिशियली प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के बाद खेलने के बाद प्लेयर्स को पता चल चुका था ये तो टट्टी है, इस गेम को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इसी के चलते गेम को अभी फिलहाल और नहीं खेल सकते, और शायद ही मुझे लगता है आप सभी इस गेम को खेलना पसंद करोगे। बात तो सही है। हमारा अगला गेम है एक बैटल रॉयल जिसका नाम है रूल्स ऑफ सर्वाइवल। इस गेम को तो सभी खेले होंगे जिसे 2018 को नेट इस के तरफ से रिलीज किया गया था, और मुझे लगता है पबजी और फ्री फायर के बाद रूल्स ऑफ सर्वाइवल ही एक ऐसा बैटल रॉयल गेम था जिसे हम ज्यादा खेलना पसंद करते थे, बट चाइना के लिंक होने के चलते इंडिया में तो बैन हो चुका था ये गेम। और उसके बाद इसी साल सेकेंड वर्सन यानी एक नया गेम रूल्स ऑफ सर्वाइवल 2.0 लॉन्च किया गया, जिसके चलते नेटइज ने डिसाइड किया कि अभी प्लेयर्स को 2.0 में शिफ्ट करवा लेते हैं और पुराना जो गेम था यानी रूल्स ऑफ सर्वाइवल उसे शट डाउन कर देते हैं। तो और बाद में ऐसा ही हुआ, अभी फिलहाल आप रूल्स ऑफ सर्वाइवल को नहीं खेल सकते हैं, लेकिन उसका जो सीक्वल है 2.0 उसे आसानी से डाउनलोड करके खेल पाओगे। और इस लिस्ट में आखिरी एक इंडियन गेम है जिसका नाम है MPL रोग हिस्ट, या फिर इसे हाइस्ट भी बोल सकते हो, जो एक ऑनलाइन शूटिंग गेम था और गेम में बैटल रॉयल मोड भी आने वाला था, बट कुछ रीजनों के चलते
अनरोन रीजन, इसका रीजन ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन यार मुझे एक्चुअल रीजन नहीं पता चला कि एमपीएल रोग हाइस्ट को क्यों प्ले स्टोर से रिमूव किया गया, और इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया। अचानक से प्ले स्टोर से इस गेम को गायब कर दिया गया था और प्लेयर इस गेम को अभी तो और नहीं खेल पाएंगे, लेकिन मुझे लगता था कि ये गेम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ग्राफिक्स भी अच्छे थे, गेम में कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा था, कम से कम बैटल रॉयल मोड तो इस गेम में ऐड कर देते हैं तब इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता था, लेकिन उससे पहले ही इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो कुल मिला के यही 5 मेरे फेवरेट गेम थे जो अभी फिलहाल नहीं खेल पाते, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसे शटडाउन तो कर दिया गया है और शायद मुझे याद भी नहीं है। अगर आपको याद है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और ये वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो। इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साइड के लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर फाइनल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।